की रुख और देखिए जहां से आर्मी डॉग एवं उनके हेलमेट आ रहे हैं। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार यश बी समल। लेकर आज के हमारे मुख्य अतिथि को सम्मान स्वरूप फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाए। गणों का अभिवादन करते हुए एवं अपने हरसंगी कारना में दिखलाने की अनुमति लेते हुए एक और पास दे देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से एक सैनिक को संपूर्ण बनाने के लिए आज्ञाकारी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार से इन बहादुर श्वानों को भी आज्ञाकारी प्रशिक्षण। अब हैंडलर्स ने अपने हाथ का इशारे से उन्हें बैठने का इशारा किया और ये समतल कि लेट जाओ। सभी आर्मी डॉग लेटते हुए ये समतल, ये ऊंट, सभी आर्मी डॉग को हैंडलर्स ने अपने पास बुलाया और सभी डॉग अपने अपने हैंडलर्स आर्मी डॉग द्वारा एक्शन। आर्मी डॉग अपने हैंडल को देखकर ही अपनी पोजीशन धारण कर सकते हैं। जैसे बैठो अपने हैंडल को बैठते हुए देख के लेट जाओ। सभी डॉग अपने हैंडल को देखकर लेटते हुए ये पूरा समतल ये बैठो। फिर से एक बार हैंडल से अपने आप पास आने का इशारा किया सभी डॉग को। ओके, आप सभी का अभिवादन करते हुए और ये लीजिए पुंज के इन फूल का फूल, जोरदार तालियों से इनका हौसला। और सबसे पहले आर्मी डॉग के बेहतरीन ढंग से सभी बाधाओं को पार करते हुए जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाए। और ये आर्मी डॉग है नहीं बेहतरीन ढंग से, और ये क्या आर्मी डॉग हैंड में कट मार दिया। और ये बेहतरीन ढंग से सभी बात आए हैं जिसमें आर्मी डॉग जम्मू ने हमला कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 73rd पुंछ लिंकअप डे के ही तहत आज पुंछ स्टेडियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम में एक डॉग शो, हॉर्स शो और उसके साथ में हॉकी का टूर्नामेंट जो 12 तारीख को यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था पुंछ ब्रिगेड की तरफ से, उसका आज यहाँ पे कंक्लूजन हुआ है, फाइनल हुआ है। ये पूरा जो टूर्नामेंट और जो भी एक्टिविटी आर्मी ने आज यहाँ कंडक्ट करवाई स्टेडियम में, वो सिर्फ एक बॉन्ड जो है सिविल सोसाइटी, सिविल और आर्मी के बीच में वो लिंकअप डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं इतने सालों से, जो हमारा यहाँ पे 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ब्रिगेडियर प्रीतम सर का जो रोल रहा, उसको एक जो आने वाली जनरेशन है उनको बताने के लिए कि वो कितना बॉन्ड था इंडियन आर्मी और सिविलियंस के बीच में, वो आगे कंटिन्यू रहना चाहिए, यही मेन मुद्दा था, यही मेन मोटो था इंडियन आर्मी का। उसी के अंडर यहाँ पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएगी। गर्ल्स का भी टूर्नामेंट हुआ हॉकी का और बॉयज़ का भी टूर्नामेंट हुआ। गर्ल्स में 4 टीम्स में पार्टिसिपेट किया और जो बॉयज़ की थी वो 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। यहाँ पे आज ये जो लिंक 73rd लिंकअप डे का ये जो सेलिब्रेशन हुआ, इसमें जब पुंछ हमारा जो है वो इंडिया के साथ जब लिंक हुआ था तब से लेके आज दिन तक हम ये डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे पुंछ की लोकल जो पब्लिक थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और डीसी साहब खुद यहाँ पे आज प्रेजेंट रहे, सब ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे डॉग शो, हॉर्स शो हुआ एंड उसके बाद जो है आर्मी का बहुत अच्छा इसमें रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम आर्मी ने करवाया और आर्मी हर साल करवाती है। आज हम खुद टीम में खेल रहे थे, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और हम विनर रहे इसमें। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स की यहाँ पे 4 टीम्स थी, गर्ल्स जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे बाहर उभर के सामने आ रही है, अपना टैलेंट जो है शो कर रही है एंड आर्मी की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम्स जो है करवाए जा रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और मैं फिर से एक बार इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम हिंदुस्तान की आर्मी के साथ हैं और इंडियन आर्मी जो है वो हमारे साथ है।